जीवन Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Thank you.
Hare 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 Hare
नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पुण्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे मुखम करोति वाचा पवन गंगाय के गिर गिर सभी प्रश्न भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आपने को सेवा को मौका दिया। माता जी है पद्मावती माता जी है। तो आज जो है छोटी सी हम आपको कथा सुनाएंगे, बहुत अच्छी कथा है जो नारद जी ने सुनाई थी प्राचीन गुरु ही को। प्राचीन गुरु ही को नारद जी ने कथा सुनाई थी, वो कथा आज हम आप चर्चा करेंगे उस कथा के ऊपर। तो प्राचीन ब्रूही एक राजा था और बहुत शक्तिशाली राजा था। तो जब किसी के पास शक्ति आती है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, ये संसार का एक नियम है। इसलिए कहते हैं ना कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूट, कि जब किसी के पास शक्ति आती है तो उसका वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। इसलिए जो है ना प्रकृति अपने चंगुल में सारे सारे जीवात्माओं को पकड़ के रखती है ना, उनकी आज़ादी को छीन के रखती है। वो सारे सारे जीव आत्माएं जो है प्रकृति के हाथों की कठपुतलियाँ हैं। रजोगुण तमोगुण और सतोगुण जो होते हैं वो व्यक्ति के साथ खेल खेलते हैं। एक और हम देखते हैं कि जैसे जीव जब किसी भी अवस्था में पहुंचता है, जैसे एग्जांपल है जैसे बच्चा होता है तो उसके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं नहीं होती जैसे कि यौन इच्छाएं होती है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है एक स्टेज पे आता है सारी इच्छाएं अपने आप जागृत होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। तो ये कैसे होता है, ये प्रकृति का खेल है, खिलवाड़ है जो वो हमारे साथ खेलती है ना। और उसके उस खिलवाड़ में सारे लोग जो है बहते जाते हैं और उनको पता ही नहीं लगता कि जो है वो किस तरीके से उनका जीवन उनसे लिया जा रहा है और उनके साथ क्या किया जा रहा है उसके बारे में समझ ही नहीं पाते। और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए सारे पाप करने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। तो आप उसी के ऊपर है। तो ये प्राचीन ब्रूही था, ये राजा था, इसके पास बहुत पैसा था। तो इसने कहा शक्ति और शक्ति हासिल करने के लिए जो है पशुओं की बलि चढ़ानी शुरू करी अग्नि के अंदर, है ना। तो जब इतनी भारी मात्रा में पशुओं की बलि दी जा रही थी तो जो भक्त होते हैं ना इसको देख नहीं सकते। और नारद मुनि जैसे उत्तम कोटि के भक्त बिल्कुल नहीं देख सकते। और नारद मुनि स्वयं आए और इस राजा से मिले। इसके जो 10 पुत्र थे प्रचेतास, जिसे कहते हैं प्रचेतास, वो उनको इन्होंने जंगल में भेजा था तपस्या के लिए। पहले चाहे व्यक्ति कितना भी इंद्रिय तृप्ति में लिप्त हो लेकिन वो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखता था कि मैं पहले तपस्या करूँगा उसके बाद भोग करूँगा। तो ट्रेनिंग दी जाती थी, मतलब एक व्यक्ति जो खुद को मारना चाहता है उसको ये पता होना चाहिए कि वो अपने आप को मार रहा है। लेकिन आजकल क्या है ना कि हम अपने आप को मारना चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम अपने आप को मारते हैं, है ना। लेकिन हमें पता ही नहीं लगता कि हम अपने आप को मार रहे हैं, पता ही नहीं लगने देते हम अपने आप को। हम अपने को मार रहे होते हैं अपने आप को और हमें पता ही नहीं लगने देते अपने आप को कि हम अपने आप को मार रहे हैं, है ना। अजीब सी बात है ना।
लेकिन ये तो वैसे ही हो गया ना जैसे कि हमने एनेस्थीसिया दिया और अपने आप को खूब मुक्के मारने शुरू करें, एक एक लो, दो लो, दो तीन लो, चार लो, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है, है ना। आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय। फिर जब जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होता है तो एकदम से दर्द होना शुरू होता है, तो बिल्कुल वैसे ही। तो लेकिन यहाँ पहले ऐसा नहीं था। तो ये क्या हुआ, प्राचीन ब्रूही के पास नारद जी आते हैं और प्राचीन ब्रूही को नारद जी जो है एक कथा सुनाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली बोलेंगे कि ये काम मत करो तो वो नहीं मानेंगे, तो इनडायरेक्ट वे में सुनाते हैं। अब वो कथा सुनिए, आप नोट करिएगा, क्वेश्चन पूछेंगे ध्यान से, क्योंकि ये ना कई सारे चैप्टरों की कंपाइल जो है कंपाइलेशन है, तो कुछ मैं अपने नोट से बोलूंगा, कुछ इसमें से बोलूंगा भागवत में से। तो ये ना अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो वो कथा सुनाते हैं, एक बार की बात है, आप भी ध्यान से सुनिएगा सब। एक बार की बात है, एक राजा था और वो उस राजा का नाम था पुरंजन। पुरंजन ये प्राचीन ब्रूही को नारद जी सुना रहे कथा कि एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन। और पुरंजन जो था उसके एक दोस्त था, उसके दोस्त का नाम था अभिज्ञात। अभिज्ञात उसके दोस्त का नाम था, है ना। और वो अपने दोस्त के साथ जो है एक शहर में घूमने जाता है, अपने दोस्त के साथ एक शहर में घूमने जाता है ना। उस शहर के जो थे नौ दरवाजे थे, कितने दरवाजे थे, सात तो सरफेस पे थे और दो सबटेरेनियन थे, मतलब नीचे थे, है ना। तो उस दरवाजे से वो जो है वो उस शहर के अंदर प्रवेश कर सकता है, है ना। किसी भी एक दरवाजे से वो शहर के अंदर प्रवेश कर सकता है। तो जब वो शहर के अंदर प्रवेश करता है ना, किसके साथ, मैं फ्रेंड अभिज्ञात के साथ शहर के अंदर प्रवेश करता है। और जैसे ही प्रवेश करता है तो उसे बहुत सुंदर सी एक स्त्री दिखाई देती है, बहुत सुंदर सी स्त्री, है ना। तो अब उसका जो है इस स्त्री पे दिल आ जाता है, वो कहते हैं कि मैं इससे शादी कर लूं, है ना। तो क्या होता है कि वो स्त्री साधारण स्त्री नहीं थी, उस स्त्री के ना कई सारे नौकर और नौकरानियां थी, लिख लीजिए कहते हैं नौकर और क्या थे, नौकरानियां थी, है ना। तो अब क्या होता है कि उनकी जो है आपस में शादी हो जाती है। तो यहां तक तो क्लियर हुआ ये जितना मैंने बताया, ठीक है ना। अब सुनिए इसकी एनालॉजी सुनिए कि ये कथा कैसे चल रही है इसका। तो ये जो राजा था पुरंजन, वो है आत्मा, क्या है, आत्मा। और जो उसका दोस्त था, क्या नाम था, अभिज्ञात। अभिज्ञात है परमात्मा, है ना। और वो जो शहर है वो शरीर है ना। और वो जो नौ दरवाजे हैं जिसमें सात सरफेस एरिया में और बाकी बेसमेंट में, तो वो इंद्रियां हैं, मतलब दो कान हैं, दो नाक हैं, है ना, एक मुंह है, है ना। और बाकी मन बुद्धि अहंकार, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, दो आंखें, दो नाक के ये जो छेद होते हैं, है ना, और एक मुंह, दो कान, ठीक है, साथ हो गए, और एक मल द्वार और एक प्रजनन द्वार, ठीक है ना, ये नौ द्वार है, ठीक है ना। तो ये जो था ये दरवाजे हैं। और फिर जब वो अंदर जाता है तो वो जो सुंदर सी स्त्री है वो है बुद्धि। कौन है, बुद्धि। और उस स्त्री के जो नौकर नौकरानियां हैं वो कौन है, इंद्रियां, है ना, इंद्रियां उसके नौकर और नौकरानियां। जैसे बुद्धि से इंद्रियों को हम अलग अलग कार्यों में लगा देते हैं, है ना, है ना। तो और बुद्धि से ही हम प्लान्स बनाते हैं किस तरीके से भोग करना है। माइंड इज वेरी क्लेवर, आपको पता नहीं लगेगा, आपकी सारी योजनाओं को अंजाम देगा आपके बिहाफ के ऊपर प्लान्स बनाते हैं, है ना, अलग अलग तरीके कैसे धोखा देता है हमें, हमें मन जो है किस तरह से धोखा देता है। तो हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि से प्लान्स बनता है, बुद्धि से प्लान्स बनते हैं ना। तो बुद्धि स्ट्रेटेजी बनाती है, इंटेलेक्चुअल होती है ना बुद्धि, वो सब प्लान्स बनाती है, ओके। तो उसके बाद ये जो नौकर और नौकरानियां हैं, ये जो नौकर और नौकरानियां जो है वो करते क्या है, करते क्या है, मतलब जैसे इंद्रियां होती है ना नौकर और नौकरानियां, ये करते क्या है, नहीं ये ना बहुत सारी भोग की वस्तुएं लाके देते हैं। क्या लाके देते हैं,
ये एनालॉजी आप लिखते रहिएगा क्योंकि ना फिर आप कभी याद ही नहीं रहेगा आपको। सिंपल सिंपल मैं आपके शब्दों में बता रहा हूँ कि ऐसे ये राजा है, ये रानी है, इस तरीके से चल रहे हैं ना, और एनालॉजी दे रहे हैं। तो एक एक इंद्री जो है, एक एक इंद्रियां जो है, मतलब नौकर जो है, इतना बहुत सारी भोग की वस्तुएं ला सकता है, इतनी शक्ति है उसके अंदर। तो अब आप टाइम हमारे पास कम है तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं इस पर चर्चा करेंगे, चर्चा तो कर सकते हैं तो हम आगे चलते हैं, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जब वो इन दोनों की शादी हो जाती है तो ना, जैसे होता है ना कि दो लोगों की खुशी किसी तीसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं होती, है ना। तो जो गंधर्व होते हैं ना, उनको इनकी खुशी देखी नहीं जाती कि भाई इन्होंने तो शादी कर ली है। तो वो क्या करते हैं, गंधर्व जो होता है उसके ना 360 सैनिक होते हैं और 360 सैनिकों की पत्नियां होती हैं, वो हाथ धो के इसके पीछे पड़ जाते हैं पुरंजन के। कितने, 360 पत्नी, पति और वो पति कह रहा हूँ, 360 सैनिक और उनकी उसके पीछे पड़ जाते हैं ना। तो उसके बाद क्या होता है कि वो उस पर अटैक कर देते हैं। तो अब जब जैसे ही अटैक होता है शहर के ऊपर, शहर होता है ना, शरीर शहर है, उसके ऊपर अटैक होता है, तो जैसे ही अटैक होता है तो डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा ना। तो क्या होता है, उसके अंदर जो होता है 5 फनों वाला सांप होता है शरीर के अंदर, है ना, जो रक्षा करता है शरीर की, है ना। वो अटैक करते हैं 360 सैनिक और उसकी पत्नियां, और ये फनों वाला सांप जो होता है 5 फनों वाला, वो रक्षा करता है। तो अब क्या होता है कि ये, अब यहाँ ये देखिए ये कौन कौन है, लिख लीजिएगा, 360 दिन है, हाँ नहीं नहीं 360 दिन है, और उनकी वो पत्नियां कौन है, पत्नियां कौन है, 360 पत्नियां कौन है, हरी बोल मासी जी, पत्नियां रात है और वो जो सैनिक है वो दिन 360 दिन और 360 रात, ये तीनों हमारे ऊपर अटैक करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये दिन और रात जो है हमारे जीवन को हमसे लेके जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ना, हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारी शक्ति कम हो रही है और एक दिन हम मर जाएंगे। तो वो 360 दिन और 360 रात ये सैनिक है, और ये अटैक करते हैं जो 5 फन है वाला सांप है, वो कौन है, वो है जो हमारे 5 तत्व है, इंद्रियां कह रही है, और ठीक है बताते हैं, दिमाग, पांच मुखी दिमाग, नहीं नहीं वो इंद्रिया तो हो गया ना, नौकर रक्षा कौन करता है, इंद्रिया रक्षा करते हैं, वो तो अभी पेट पे पकड़ के मरोड़ के और फेंक देंगे, नहीं 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 पांच जो है मैं बता देता हूँ, बहुत ज्यादा ही गैस हो जाएगा, है ना। पांच जो मुखी वो पांच ये वायु है, पांच प्रकार की वायु है ना, प्राण अपान व्यान समान उदान, पांच वायु होती है, है ना। ये अंदर कैसे खेल चल रहा है ना कोई नहीं जानता है, हम तो ऊपर से सोचते हैं कि मैं करता हूँ, है ना, व्यक्ति क्रियमाणी गुणे कर्माणी सर्वसा अहंकार विमुणात्मा करता अहम इति मन्यते, पता ही नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। साइंटिस्ट को भी नहीं पता पता कि अंदर क्या चल रहा है, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। आज तक साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए कि ये जो हार्ट जो है इसको जो बिजली आ रही है पंप करने के लिए, वो बिजली कहाँ से आ रही है, वो दो नॉइज, किसी कोई साइंस का स्टूडेंट है ना, तो वो दो कुछ वो दो साउंड्स होती है ना, जो हार्ट पंप करता है उससे तो शरीर चलता है, उससे पहले दो साउंड्स आती हैं जिसके जो हार्ट को वाइब्रेट करती हैं, कोई है साइंस का स्टूडेंट, दो है ना। अब वो साउंड कहाँ से आ रही है किसी को नहीं पता, वो बड़े साउंड ही सोर्स है ना, तो किसी को नहीं पता ये सारी मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है। भगवान बटन बंद कर देंगे, चलो आज मन नहीं कर रहा, तो इसको ऑफ करते हैं, चलो बटन बंद, व्यक्ति ऑफ, व्यक्ति कह रहा है मैं तो कुछ करने वाला था, अरे जाओ तुम अब, है ना। तो ये तो अब क्या है कि ये पांच फन वाला सांप रक्षा करने का पूरा प्रयास कर रहा है, और दिन और रात अटैक करे जा रहे हैं, एकदम बहुत ज्यादा वॉर चल रही है,
वर्ल्ड वॉर अंदर हमारे साथ। उसके बाद क्या होता है इसी लेकिन फन वाला साहब बहुत शक्तिशाली है, जब हम जवान होते हैं ना तो हम कहते हैं कि भोग करेंगे हम, बहुत शक्ति है हमारे अंदर है ना, और धीरे 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 लड़ते 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 दिन और रात से हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब शुरू शुरू में जवान होते हैं तो हम कहते हैं कि अरे हम तो कुछ हैं है ना, हम हैं, बाकी समय पानी कम है, तो ऐसा होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये लड़ रहे होते हैं ना तो तभी क्या होता है धीरे धीरे जो होता है ना वो कमजोर होने लगता है। कौन कमजोर होने लगता है? सांप हल्का हल्का धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अब उसकी कमजोरी का फायदा उठा के एक लड़की और उसके पास आती है ना, जिसका नाम है कालकन्या। क्या नाम है? कालकन्या। इसका घर का नाम है जरा बुढ़ापा, वो आती है ना, वो उसका 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 पैशन है शादी करना है ना पैशन। तो वो देखती है कि भाई ये लड़ रहा है शूरवीर योद्धा है ना, ऐसा महाप्रतापी महातेजस्वी शूरवीर शूरवान है ना, इसको कौन अपना दिल नहीं देना चाहेगा। तो जो बूढ़ी, वो तो खुद बूढ़ी होती है, वो कहते हैं यार मैं ही दे देती हूँ तो उसके बाद जाती है तो कहता है माता जी प्रणाम है ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें लड़ने दीजिए तो उसे इग्नोर मार देता है, सारे मैसेज डिलीट है ना, सारे प्रपोजल डिलीट। उसके बाद वो जो बूढ़ी औरत होती है ना उसको बड़ी खुंदक चढ़ती है, भाई ये कोई बात है ना। अब वो जाती है उसके पास, उसके दुश्मन के पास, गंधर्वों के पास है ना। ये जो था ना, ये जो गंधर्व है, ये गंधर्व नहीं, यवन राज के पास जाती है। ये यवन राज से लड़ाई हो रही थी ना, वो यवन राज के पास चली जाती है, उसके दुश्मन के पास। और उससे जाके कहती है कि हम और तुम आज से दोस्त हैं ना दोस्त हैं है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है hence proved है। तो उनकी दोस्ती उनकी दोस्ती हो जाती है। अब क्या होता है कि उसका एक भाई भी था यवनराज का, जो ज्यादा खुराफाती लोग होते हैं ना, पूरा कुनबा उनके साथ ही रहता है, अच्छे लोगों के साथ कोई नहीं रहता बेचारे है ना। तो उसका जो कुनबे में जो था उसका भाई था, श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, उसका भाई था, उसका नाम था, वो अंग्रेज था, उसका नाम था हाई फीवर है ना, अगर इंडियन था लेकिन नाम उसने इंग्लिश वाला रखा था, कहना मेरे को जो है पर ज्वर मत बोला करो, ये मतलब चुप जाता है, आप हाई फीवर बोला करो है ना। तो मृत्यु के भाई का नाम हाई फीवर है ना। तो वो क्या होता है, भाई होता है उसका, बहुत भातृ भक्ति वाला भाई होता है। और उसके बाद क्या होता है कि अब दोस्ती जो है ये जो शादी में बदल जाती है, इसे तो दोस्ती करने आई थी बुढ़िया जो थी, इन्हें कहा चलो मृत्यु से ही शादी कर लेते हैं, अच्छी दोस्ती निभी। अब ये तीन है, कौन कौन, एक तो बुढ़िया जो है कालकन्या बुढ़िया, दोनों एक ही है, और मृत्यु यवनराज, और उसका हाई फीवर, तीन जने। अब उसने कहा अब लो बेटे, अब तीनों आ जाते हैं, अब तीन 360 सैनिक, उनकी पत्नियां, और ये तीन और है ना, तीनों अटैक कर देते हैं। अब उधर से वो कमजोर हो रहा था क्योंकि भाई वो तो अटैक कर रहे थे ना। आपको पता है एक कहावत है ना, वो दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुधान, रस्सी आवत जावत है सबर पर निशान। तो जब कुआं होता है ना, कुएं पे जो रस्सी होती है वो खींचा जाता है, बार बार खींचा जाता है, कुएं को ही फाड़ देती है, कुएं की दीवार। आप सोचिए इतनी शक्ति होती है, एक कुएं की पत्थर को भी फाड़ देती है। और ऐसे ही ऐसा पानी जब एक जगह गिरता जाता है एक जगह, तो वो पत्थर तोड़ देता है। तो उसी तरीके से जब हम अपनी साधना भक्ति को पक्का करेंगे, बिल्कुल फोकस करेंगे, तो आप सोचिए हम इस सारी लेयर्स को भेज सकते हैं जो हम जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, 24 तरफों को फाड़ के आत्मा जो है भगवान के धाम में चली जाएगी है ना। ऐसे चीज, क्योंकि ये जो वॉइस है, ये ट्रांसेंडेंटल वॉइस जो है, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये संसार की नहीं है,
ये वहां से आई है। अब हम सोचे अरे कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी कहाँ जाएगी, ये वहीं से आई है ना। यहाँ के लोग तो बैठ के जिनके दिमाग में कीड़े काट लेते हैं वो नए नए आविष्कार करते हैं। इसका नाम रखेंगे हम कोका कोला है ना, इसका नाम रखेंगे हम पेप्सी कोला है ना। तो अब आप व्यक्ति कहेगा कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, कितना कोका कोला, फिर कोका कोला इतने बोल ही नहीं पाएंगे है ना, जुबान टेढ़ी हो जाएगी है ना। पर वैसे जुबान में हड्डियां नहीं होती लेकिन हड्डियां तुड़वा देती है ना। तो इतना कोका कोला बोल के ना जरूर हमारी हड्डियां टूटेंगी और कुछ नहीं होने वाला है ना। समझ आ रही है बात है ना। तो कहने के मतलब है, तो हम जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं तो आप देखा है आपने 64 माला भी भक्त करते हैं, 192 माला भी भक्त करते हैं, तो करते जाते हैं। ऐसा तो नहीं है वो व्यक्ति उस माला के बाद आईसीयू में बढ़ा है, बढ़ती जाती है गति, बढ़ती जाती है। हाँ गति बढ़ती जाती है, ऐसा तो नहीं है कि भाई हो गया भैया निमट गए हम, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ घटता ही जाएगा, आ रहा है ना समझ, क्लियर है ना। तो अब क्या होता है कि मैं कहाँ पे था, कोका कोला नहीं नहीं उससे पहले कहाँ, हाँ तीनों अटैक कर देते हैं, तीनों अटैक करते हैं और दिन दिन वो धीरे धीरे ना उसकी शक्ति कम होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो है हाँ, तो मतलब मैं ये तो हो गया, ये तो एक शिक्षा है। तो उसी तरीके से अगर हम ना अपना सदुपयोग करेंगे जीवन का तो हम क्या नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम जो है अपने भोग की वस्तुओं को पाने के लिए ललायित रहेंगे, उनसे उनको पाने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएंगे तो उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें मृत्यु प्राप्त होगी। जो सुख जो है जो भौतिक सुख है वो ऐसा होता है कि शुरू में बहुत मीठा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, बाद में पता लगता है कि भैया क्या हो गया है ना। जैसे एक बार मैं एक लेक्चर सुन रहा था, शायद गौरांग प्रभु थे, वो कह रहे थे जब पहले गर्लफ्रेंड होती है बहुत अच्छी लगती है ना, वो हम कहते हैं चांद तारे तोड़ लाएंगे है ना, कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। अब उसके बाद जब वो पत्नी बन जाती है उसी उसी गर्लफ्रेंड का बाल जब दाल में दिखता है तो है ना, तो हम उसको निकालते हैं और कहते हैं कि ये दाल बनाई है तूने है ना। नहीं ऐसे ही हो जाते हैं, आप देखिए उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना व्यक्ति का घराना कम हो जाता है, पार्कों में दिखाई देते हैं, मतलब अब देखोगे जितने भी आप बुजुर्ग लोग हैं सब पार्कों में दिखाई देते हैं, घर से मन भर जाता है, वन प्रस्त दिखाई नहीं देता है क्योंकि जंगल है नहीं तो पार्क में चले जाते हैं ना, वहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं, लाफिंग एक्सरसाइज और सांस छोड़ना लेना, कुत्तों के बारे में चिंता करना जो आवारा घूम रहे हैं है ना, तो बहुत सारी चिंताएं रहती है। तो इसके क्या मिला, क्या मिला क्या एक्चुअली ना, थॉट्स में आनंद आता है, एक्चुअली ये साइंस है। एक्चुअली किसी भी कोई भी भौतिक भोग है ना उसके थॉट्स में जितना आनंद है ना, और उसको जब वो चीज़ प्राप्त हो जाती है उसमें आनंद नहीं है। इसलिए ना हमारे जो वैदिक कल्चर है उसमें ना एक स्टैंडर्ड बनाए हैं, हर भोग के साथ एक जिम्मेदारी है। अगर आप ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कल्चर जो है ना, कुत्तों का कल्चर है, कुत्ते जो होते हैं ना कुत्ते और सुअर, ये कल्चर है एक्चुअली, क्योंकि उनको अंदर इंटेलिजेंस नहीं होती लेकिन उनको प्रकृति जो है ना पकड़ के रखती है, और उसको नर्क नहीं जाना पड़ता क्योंकि उनकी बुद्धि नहीं होती, उनको प्रकृति पकड़ के रखती है क्योंकि वो यही चाहते हैं। लेकिन इंसान ये नहीं चाहता, तो वो ये चाहता है कि मैं कुछ और बड़ा करूँ, ये इसके अंदर क्षमता होती है, और हम वैसे करेंगे तो हमें नर्क में जाना पड़ेगा, जानवर बनना पड़ेगा। तो फिर क्या होता है, ये कल्चर अब आ गया है, तो उसके लिए ना पहले जमाने में जिम्मेदारी होती थी कि आप शादी करो, जिम्मेदारी निभाओ, बच्चा होगा उसे संभालो, बच्चे को संभालते संभालते तंग आ जाओगे, फिर मोक्ष की इच्छा करो पुरुषार्थ हाँ फिर मोक्ष है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, पक जाएगा व्यक्ति भैया क्या है ये है ना। अब वो बाद में पता लगता है, क्योंकि आजकल तो क्या है ना कि लोग रियलाइज भी नहीं कराते हैं क्योंकि सब पिट रहे हैं, कोई कहेगा नहीं यार हम सब खुश, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करो आप भी करो, सब करो, सब खुश रहो, ये सब चलता है ना। अब समझ रहे हैं, ये एक चीज एग्जांपल है, ऐसे उसको सब चीजों से जोड़ के देख सकते हैं। अब क्या होता है, अटैक होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ना अब तीनों जब अटैक करते हैं तो धीरे धीरे क्या होने लगता है कि शरीर टूटना शुरू हो जाता है। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, लाइन लिख लीजिए ना, तो जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अब क्या होता है ना, उसको बुखार आना शुरू होता है, पहले विवेक मर जाता है। अब सब जो एक तरफ से मारना शुरू करते हैं, जड़ा आंटी और ये जो है क्या नाम, मृत्यु भी आ जाता है, और मिस्टर हाई फीवर, ये जब मारना शुरू करते हैं, कुटाई शुरू करते हैं,
तो उसके बाद क्या होता है कि ना जरा तो करती है बूढ़ा, है ना, हाई फीवर कहता है भाई लो मैं तुम्हें देता हूँ करंट, उसके तापमान बढ़ना शुरू होता है, बढ़ना शुरू होता है 100 डिग्री, 102, 103, 104, 105, 106, 107, खलास, 107, 107 जो होता है डेथ पॉइंट है, है ना, इसके आगे आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, आपको शमशान लेके जाया जाएगा, है क्या क्रॉस कर दी, किसको 108 है, माता जी मेरे मतलब वापिस आ गई, वो एक है ना डैड मैन वॉकिंग, अंडरटेकर था मैं, कह रहा डैड मैन वॉकिंग, तो मतलब व्यक्ति वापिस आ गया है ना, तो आपको इसका और भी तीव्रता से भक्ति करनी चाहिए, लेकिन रेप केस होता है, व्यक्ति फिर चाहता ही है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया तो उसके बाद फिर जैसे ही होता है वो मर जाता है, मर जाता है, अब ख्यालों में खोया हुआ व्यक्ति जब मरता है, भूख चाहिए भूख चाहिए भूख चाहिए भूख चाहिए भूख चाहिए, खत्म, है ना, और मर जाता है, तो अगले जन्म में देखिए यम यम वाति स्मरणम भावम तेजंतं तेगलेवरम तत्तद वेति मोत्य तदतद भाव भाविता, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए व्यक्ति शरीर छोड़ेगा उसी भाव को प्राप्त होगा, जो पहले व्यक्ति पुरुष था स्त्री का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा तो अगले जन्म में उसको स्त्री का शरीर प्राप्त होगा, जो स्त्री पुरुष का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगी वो पुरुष का शरीर प्राप्त करेगी, ये है लॉ, ये लॉ है। और अभी दो दिन पहले सुंदर गोपाल चौधरी जी ने नारी शक्ति के ऊपर एक लेक्चर दिया था, बहुत बहुत अच्छा लेक्चर था, 2-3-4 दिन पहले उन्होंने भी लास्ट में यही चीज कही थी, तो कि ऐसा ही होता है कि जो आज स्त्रियां हैं वो पहले पुरुष थे और जो अब पुरुष हैं वो सब स्त्रियां थे, है कि नहीं, तो बच के रहो भैया, बच के रहो, है ना, वर्ड्स कौन से हैं, क्या वर्ड्स वो बता दूंगा, बता जम जम वापिस स्मरण सर्च कर लेना, तो मेरा मतलब ये देखिए कितनी बड़ी बात है, मोबाइल घुमाने से हमारे बुद्धि नहीं घूमेगी, इसको हमें समझना पड़ेगा, सिर्फ लिखना पड़ेगा, है ना, कितना ही व्यक्ति सांस खींच ले छोड़ ले एक दिन तो सांस निकल ही जाएगी, रामदेव जो है बाबा सांस खिंचवाते हैं छुड़वाते हैं खिंचवाते हैं छुड़वाते हैं, ठीक है अच्छा है, कभी शांति तो मिलती है व्यक्ति को, लेकिन एकदम परम शांति को प्राप्त होगा, फिर उसको अगले शरीर प्राप्त होगा ही होगा, है ना, जैसे इसको होगा, अब ये मरा कौन, मरा पुरंजन, और पुरंजनी बन के पैदा हो गया, पुरंजनी, हाँ पुरंजनी, है ना, मतलब स्त्री बन के पैदा हो गया, इसका नाम था विदर्भी, विदर्भी, है ना, तो विदर्भी बन के पैदा हुआ, और पैदा हुआ तो अब क्या हुआ, इसको इसकी शादी हुई एक वैष्णव से, किससे हुई, उसका नाम था माल्यध्वज, राजा माल्यध्वज, उससे इसकी शादी हुई, एक बार रिपीट कर देंगे क्या बन के पैदा हुए थे, पुरंजनी, पुरंजनी विदर्भी, तो मतलब शी ही मरा और शी बन के पैदा हुआ, है ना, तो अब ये भी, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसकी इस बार भी शादी हुई, क्योंकि भाई ऐसे तो भगवान ऐसे नहीं करते कि एक तो स्टैंडर्ड का व्यक्ति है और नीचे पटक दिया उसके नरक में, जैसे हम कहते हैं पहले जीवात्मा ब्रह्मा थी, ब्रह्मा से धीरे 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 मल का कीड़ा बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ब्रह्मा से लो भी सीधे एकदम डिमोशन हो गया, डिमोशन धीरे धीरे होता है, धीरे 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 ऐसे होता है, तो अब वो क्या, अब वो अभी तो पुरंजनी बन गई, शादी हुई माल्यध्वज से, लिख रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, लिखिएगा, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ, जब क्या हुआ, शादी माल्यध्वज से शादी हो गई, तो पति वैष्णव था, तो पति इसके साथ वो हिल स्टेशन पे नहीं जाती थी, ऐसे पति होते हैं पहले जमाने में, ऐसे पति होते थे पत्नी को लेके जाते थे, चलो आज मंदिर चलते हैं, इस्कॉन मंदिर, कभी राजनगर के इस्कॉन मंदिर, कभी दिल्ली इस्कॉन मंदिर, कभी पिलखवा के मंदिर, कभी चलो आज कैंप जा रहे थे, चलो जगन्नाथपुरी मायापुर, है ना, अयोध्या, है ना, इस तरीके से, क्या मंदिर, हाँ मथुरा वृंदावन, इस तरीके से, तो वो लेके जाता था, चलो ये लेके जाता था ना, इससे क्या हुआ, उसकी पत्नी के अंदर संस्कार आने शुरू हुए, क्योंकि पहले तो भोग करा था उसने, पति था वो, अब उसका संस्कार आने शुरू हुए धीरे धीरे, सुकृति बढ़नी शुरू हुई, अब एक दिन क्या हुआ, उसके पति भी उसका साथ छोड़ के चला गया, लेकिन उस तो उसको बड़ा झटका लगा, बहुत झटका लगा, मेरा पति चला गया, लेकिन जो उसने उसको सिखाया था, जो उसको शिक्षाएं दी थी वो इतनी ठोस थी कि ना उसको पतिव्रता बन गई, एकदम पतिव्रता थी, पहले उसकी पतिव्रता होती थी, तो उसने कहा कि भाई मेरे पति चले गए, मेरे अंदर शिक्षा है और मैं मेरे को
और मेरे को उससे उनसे इतना प्रेम है, वो सीरियल प्रेम होता था, तो मैं भी उनके साथ चली जाऊंगी। उसने चिता अपनी ऐसे सजाई और उसके अंदर मतलब प्रभाव अपने आप को डालने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, एक ब्राह्मण ने उसका हाथ पकड़ लिया। और वो ब्राह्मण कौन थे? हाँ, ब्राह्मण कहते हैं कि मैं आपका मित्र हूँ। और हमारा इस संसार में सबसे अच्छा मित्र कौन है? भगवान। हाँ, भगवान है ना, तभी तो कहते हैं ना, भगवान हमेशा कोई भी आपका साथ छोड़ दे लेकिन भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते, इसलिए तो कहते हैं कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहु निश दिन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो ऐसे इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ये हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। क्यों हम इस संसार की भूख के पीछे भागते हैं? अगर हमें कोई चीज बहुत आकर्षित करती है, भौतिक वस्तु आकर्षित करती है, हमारे पे इतनी बड़ी शक्ति है, हम अपनी अपनी आंखें बंद करके अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके भगवान का नाम लें, है ना। जैसे एक बार राम भट्ट प्रभु जी ना हमारा लेक्चर दे रहे थे, वो वहाँ पे था, क्या नाम है, हरिद्वार में। तो बहुत अच्छा सुंदर लेक्चर था। तो उसमें राम भट्ट प्रभु जी एक गीत सुनाते हैं, हमें मैं कुछ शब्द बोलूँगा उसके, है ना, ध्यान से सुनिएगा, आप भी गुनगुना सकते हैं, है ना, कि आप करता ले लीजिए बस ये, उसके बाद बस 5 मिनट में हम वाइंड अप करेंगे। तो वो हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, आप सब गाइएगा, करता ले लीजिए। पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो पायो जी मैंने राम रतन धन, पायो पायो जी मैंने राम रतन अमूलित दियो मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलित दियो मेरे सतगुरु, वस्तु अमूलित दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जग में सभी घुमायो खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़ता ही जायो पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, मीरा के प्रभु गिरवर नाग, मीरा के प्रभु गिरवर नाग, प्रभु
अनमोल चीज दी है प्रभुपाद जी ने, गुरु महाराज जी ने हमें कितनी अमोल चीज दी है, उसको छोड़कर हम कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं। ये एप्लीकेशन पॉइंट है कि नहीं है? हम इतनी अच्छी चीज, हीरा मिला है हमें, उसको छोड़ के हम कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन हमें अपने खुद ये चीज दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमारे पास हीरा है, है ना। तो जब वो मरने वाली होती है तो एक ब्राह्मण आके उसको रोकते हैं, वो हमारे, वो उसके मित्र हैं और वो परमात्मा है, और वो उसके रोकते हैं, और जब वो रोकते हैं उसको तो उसको बचा लेते हैं। तो अब जब ये सारी ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है, जब वो बच जाती है, तो लास्ट में नारद जी कहते हैं कि मैंने किसके बारे में कथा सुनाई है? तो प्राचीन गुरु क्या कहता है, क्या कहता है? नहीं नहीं, प्राचीन गुरु कहता है कि ये तो मेरे को लग रहा है कि मेरी ही बारे में कथा है, मुझे ही आपने इनडायरेक्ट वे में बता दिया है कि मैं ऐसा हूं, है ना। तो जब ये सुन के ना, मतलब उसको बड़ा गिलानी होती है कि मैं क्या कैसे जीवन जी रहा हूं, है ना। तो वो क्या करते हैं, सब छोड़ देते हैं, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, वो हरिद्वार के लिए निकल जाते हैं, है ना। और कहते हैं वो, अरे बच्चे गए हुए हैं वहां पे ट्रेनिंग के लिए, वो उनको तो, उनके लिए तो रुक जाइए। तो नहीं, अब जाना है ना, अभी अभी जाना है, क्योंकि पता नहीं कल होना हो, है ना। अभी समय, अभी समय है, अभी समय है, अभी भक्ति हम कर सकते हैं, है ना। जागो जीव, जागो, है ना, एक रिकॉर्डिंग भेजी थी ना। तो इसलिए हमें, हम जितने भी जीव है, मैं भी एक जीव हूँ, है ना, हम सबको जाग जाना चाहिए, है ना। तो लास्ट में मैं यहीं पर इस कथा को विराम देता हूँ ये कहते हुए कि जीव जागो, जीव जागो, गोरा चांद को दे, जीव जागो, जीव जागो। प्रयास करना बेस्ट दिन है। अगर हम अपना बेस्ट देते हुए चले भी गए तो भगवान जो है ना हमेशा हमारे साथ है और वो हमारी हर क्षण रक्षा करेंगे। लेकिन अगर हम डुप्लीसियस बिहेवियर करेंगे, डुप्लीसिटी मतलब अंदर कुछ है बाहर कुछ और, मैं दुनिया को दिखाने के लिए भक्त हूँ और अंदर हमारे मन में प्लान चल रहे हैं इंद्र तृप्ति के, तो ये भूल जाइए कि आप भगवत धाम जाने वाले हैं या स्वर्ग जाने वाले हैं, आप नर्क जाने वाले हैं, और भयंकर नर्क है, ऐसे लोगों के लिए और भयंकर नर्क है, क्योंकि आपने भगवान के नाम के बल पर आपने अपराध करा है, उसके लिए बहुत भयंकर नर्क है। इसलिए जीव सावधान हो जाइए, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि मैं भी सावधान हो जाऊँ। इसलिए ना, इसलिए हर चीज स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए, साधना स्कोर एकदम एवन होना चाहिए, उसको भेजना चाहिए ताकि हमारे फैसिलिटेटर देख सकें, अपना हार्ट रिवील करना चाहिए उनसे कि मेरे मन में इस तरह के गंदे थॉट्स भी आते हैं, है ना, क्योंकि आपका सच्चा मित्र जो है ना भगवान के, भगवान है और भगवान के भक्त है, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे बोल, हरे बोल, जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जी मतलब ऐसी हाई फीवर मतलब नहीं,
जब वो लड़ रहे थे ना सैनिकों से लड़ रहे थे ना, तो जब व्यक्ति लड़ता है ना तो उसकी ना मतलब उसकी मसल्स दिखाई देती है, बाइसेप ट्राइसेप है ना ये था। तो वो क्या होता है ना कि लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तो वो क्या है ना, एक लेडी थी है ना जो कई सारी शादियां करके तलाक दे चुकी थी, लिव इन रिलेशनशिप होते हैं ना, फटाफट आओ देख जाओगे है ना। तो उसके बाद फिर उसने देखा कि ये है ना, ये है वो व्यक्ति जो मतलब मेरे लायक है। आखिर क्या होता है, हम आखिर क्या ट्रेंड है, लोगों की ना पसंद बदलती जाती है। ये तो शादी की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज में देख लीजिए पसंद बदलती जाती है ना, है ना। तो एक्चुअली एक कोट और भी था कि लोग जो है ना प्यार करते हैं पर्सन से नहीं करते, ऑब्जेक्ट से प्यार करते हैं, पर्सन का सहारा लेते। तो वो क्या होता है कि इसलिए क्या होता है कि लोगों को मोह नहीं होता, प्यार नहीं होता। तो वो क्या है ना कि वो जब वो स्त्री बुढ़िया जो थी वो देखती है कि भाई ये व्यक्ति लड़ रहा है ना, इसको मेरी जरूरत है, चलो मैं इसको जाके इमोशनल सपोर्ट करती हूँ, उसे शादी करती हूँ। तो वो स्त्री थी जरा बुढ़ापा है ना, जो वो लड़की मतलब जो वो बताया कि वो बुढ़ापा था, वो जो है बुढ़ापा है, बुढ़ापा आता है कहता है। और जो ये साथ वो बताई आपने मिया, वो तो मतलब दो कान दो आंख और नहीं 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 वो तो गेट है, वो गेट है दरवाजे, हां दरवाजे बताई बहुत बात ना, दरवाजे दरवाजे बताई, उसमें जीवा भी है ना, जीवा भी नहीं है, जो खुली हुई चीजें ना वो है, कान खुले हैं, आँख खुली है, मुंह खुला है, नाक खुली है, नो तो नो है, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आया ना। अब इसको ये एप्लीकेशन पूरे स्टोरी एप्लीकेशन पॉइंट के ऊपर आधारित है, सच्ची घटनाओं पे आधारित है। तो आप इसे ना नहीं सही में ये कथा है तभी तो आ रही है, कोई ऐसे थोड़ी है कि राइटर ने लिखा है। तो इसको ना सब सबको अप्लाई करना चाहिए है ना, ठीक है। तो आज का मतलब आज कैसा ये समाप्त करते हैं क्लास, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।